हमारे दर्शक, उनको अगर आप ये बताएं कि अगर स्ट्रोक आता है उसके, आपने कहा 6 घंटे बहुत बहुत अहम है, लेकिन अगर उन 6 घंटों में ट्रीट नहीं किया जाता है, पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं लाया जाता है, किन्हीं भी कारणों से वो घर पर ही है, तो ये स्ट्रोक किस तरह से किसी पेशेंट को प्रभावित कर सकता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, किस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं? देखिए, अगर कोई छोटे एरिया को या छोटा वेसल अफेक्टेड है, उस कंडीशन में वो उस हिस्से को पैरालाइज कर देगा जो ब्रेन से सप्लाई हो रहा है, राइट? और हम ये जो बात एम्फेसाइज कर रहे हैं कि 4 से 6 घंटे, वो रिवर्सल के लिए हमारे पास टाइम है। अगर वो निकल गया और मरीज़ टाइम पे नहीं आ पाया, सपोज़ 10 घंटे 24 घंटे बाद आ रहा है, तो उस केस में वो एरिया परमानेंट डैमेज की तरफ चला जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है। तो उस कंडीशन में अगर वो छोटा एरिया है तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन वो एरिया जो ब्रेन से करस्पॉन्डिंग कमजोरी आ जाएगी या वीकनेस आ जाएगी, वो ज़रूर परसिस्ट करेगी। उसके लिए आगे के इलाज हैं। उसके लिए आगे के इलाज में सबसे पहली चीज़, कोई भी स्ट्रोक होता है छोटा भी अगर, तो उसमें इलाज का मेन कंपोनेंट होता है कि हम जो वजह है स्ट्रोक की उसको ट्रीट करें। यूजुअली हमारी कंट्री में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इंडिया इज़ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कहते हैं। हाइपरटेंशन साथ में एसोसिएटेड होता है। इन कंडीशंस में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की और ब्रेन की ब्लड वेसल्स के बंद होने का। तो हमें सबसे पहले, अगर एक स्ट्रोक हुआ तो छोटा सा स्ट्रोक भी है अगर, इसका मतलब ये वार्निंग साइन है कि आगे बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेडिकेशंस और जो जो कॉजेज़ हैं उन्हें करेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज है, डायबिटीज़ कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम असेस करते हैं पेशेंट में हैं और उनको करेक्ट करना है, ताकि उसके आगे की लाइफ में ये रिस्क दोबारा ना आए, दोबारा कोई मेजर स्ट्रोक ना आए, क्योंकि उसकी आर्टरी डिजीज्ड हैं इसलिए उसको स्ट्रोक हुआ है। दूसरी चीज़, अगर एक स्ट्रोक है, कोई हिस्सा अगर पैरालाइज्ड है किसी पेशेंट का, सपोज़ लेफ्ट या राइट, और साथ में अगर राइट हिस्सा पैरालाइज्ड है, डोमिनेंट ब्रेन का स्ट्रोक है, तो स्पीच भी अफेक्टेड होती है, आदमी की बोलने समझने की क्षमता भी जा सकती है। ब्रेन का लेफ्ट साइड यूजली डोमिनेंट होता है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड को गवर्न करता है, राइट साइड लेफ्ट साइड को गवर्न करता है, लेकिन लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है मतलब लेफ्ट साइड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो राइट साइड की दाएं हाथ और पावर की, पैर की ताकत, दूसरा बोलने और समझने की शक्ति, वो भी उसी एरिया से गवर्न होती है। तो अगर स्ट्रोक आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में हो रहा है, इंपॉर्टेंट एरियाज़ में, और उसमें ताकत चली गई है, तो मोस्ट लाइकली उसमें मोस्टली आवाज़ भी अफेक्टेड होती है, और सोच, आवाज़ का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, आवाज़ का मतलब भाषा को समझना भी, तो समझना और बोलना दोनों अफेक्टेड होता है, इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। ये चीज़ें आ सकती हैं। अब इसके लिए आगे क्या, तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए ताकि आगे ना हो ऐसा कुछ। दूसरी चीज़ होती है कि अब जो हो गया है उसके लिए हम क्या करें, ठीक है? उसके लिए रिहैबिलिटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए मेडिकल थेरेपी चलेगी, रेगुलर फॉलोअप चलेगा और मेंटेनेंस चलेगी। बट जो डैमेज हो चुका है या जो नहीं है, जो पावर चली गई या क्षमता चली गई शरीर की, उसको वापस लाने के लिए आजकल उसमें भी काफ़ी कुछ एडवांसमेंट है। नंबर एक, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हम कहते हैं न्यूरो रिहैबिलिटेशन, जो वापस स्टिमुलेट करता है। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो हिस्सा डैमेज हो गया ब्रेन का, उसके सराउंडिंग एरिया में जो हिस्से बचे हुए हैं, हम ऐसा ट्रेन करें कि वो हिस्से उस काम को फिर से करना शुरू करें, उस हिस्से का काम वो हिस्से लें, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, उस पर फोकस करते हैं एडवांसमेंट में आजकल।